नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और आज के इस वीडियो से हम लोग अब फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे पहली इकाई होती है, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है, वह हमारी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक क्या होते हैं और उनकी इकाइयाँ क्या होती हैं। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भौतिक राशियों के बारे में, मूल राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। और उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक से परीक्षाओं में पूछे गए 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो यह आपके लिए एक कम्प्लीट वीडियो होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी लोग वीडियो को देखें वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हों, यानी कि जिस पर्पज़ से उन्होंने इस वीडियो को ओपन किया है वह पर्पज़ उनका फुलफिल्ड हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो बहुत ही शौक से डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फिजिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियों यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। अगर हम लोग भौतिक राशियों की बात करते हैं तो वह सारी राशियाँ यानी कि वह सारी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम लोग यंत्रों की सहायता से मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं और जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशियाँ। क्या कहते हैं उसे हम, उसे हम लोग नाम देते हैं भौतिक राशियाँ। यानी कि वह सारी राशियाँ जो हमारी यंत्रों की सहायता से मेजर की जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं भौतिक राशियाँ। अब यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, द्रव्यमान की, किसकी, द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान को हम कैसे मेजर करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भौतिक तुला है, भौतिक तुला से आप लोग मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण आपका होता है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, यह हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम की सहायता से। तो यही हमारी सारी होती हैं भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों के बाद में अगली हम लोग बात करेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक क्या होते हैं, तो जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं मैंने आपको बताया कि उन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भौतिक राशि को मेजर करना है यानी कि इसकी माप लेनी है तो इसके लिए हमारे पास पहले एक मानक होना चाहिए। जाहिर सी बात है आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब गांव में या शहरों में कुछ छोटे जो फेरी वाले होते हैं वह आते हैं और वह जब किसी चीज़ को देते हैं तो कई बार उनके पास बांट नहीं होते हैं, तो वह लोग क्या करते हैं, वह एक मानक बनाते हैं एक बांट की सहायता से, वहीं पर रखी हुई ईंट से या पत्थर से मानक बना करके आगे का मेजरमेंट करते हैं। तो वही हमारी ठीक होती है भौतिक राशियों के साथ में। पहले हम कोई एक निश्चित परिमाण का मानक बना लेते हैं और उस मानक को कोई नाम देते हैं और इसी जो नाम इसका होता है उसी को हम लोग उस राशि का मात्रक कहते हैं। अभी हम लोग आगे इसको और डिटेल में समझेंगे। अब हमने ये तो बात कर ली भौतिक राशियों के बारे में। अब ये जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, पहली हमारी हो गई मूल राशियाँ जिन्हें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और सेकंड आपकी कौन सी हो गई, सेकंड हमारी हो गई व्युत्पन्न राशियाँ जिन्हें हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो क्या होती हैं मूल राशियाँ, क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ, आइए इनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिस प्रकार से हमारे फंडामेंटल लॉ होते हैं उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, यानी कि इन राशियों का आपस में किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं मूल राशियाँ। अब अगर हम लोग मूल राशियों की बात करें तो इनकी कुल संख्या मिला करके है 7। मूल राशियाँ हमारी कितनी हैं, 7 हैं। और उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारी हो गई लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, जो तीव्रता हो गई, तो ये सारी हमारी होती हैं मूल राशियाँ। अब मूल राशियों के बाद में अगला हमारा है व्युत्पन्न राशियाँ। नाम से ये इसका स्पष्ट है कि व्युत्पन्न यानी ये किसी से हमारी उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसी राशियाँ जो हमारी मूल राशियों की सहायता से मिलती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। क्या कहते हैं उन्हें हम, उन्हें हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशियों की उदाहरण की बात करें तो जो आपका क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, दाब होता है यानी कि प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, चाल यानी कि स्पीड, ये सारी हमारी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ जो होती हैं इन्हीं से आप देखेंगे कि जितनी आगे की हमारी सारी राशियाँ होंगी इन्हीं राशियों से मिलकर के बनती हैं।
कैसे, हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो हमने इसकी बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे मात्रक की पद्धतियों के बारे में। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोई एक निश्चित मानक मान लेते हैं। अब निश्चित मानक, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही मानक को मान लें। तो इसी क्रम में कई सारी हमारी पद्धतियाँ बन गई थी मेजरमेंट की, आइए इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पहली हमारी थी CGS पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। उसके बाद में अगला हमारा है FPS, जिसे हम लोग कहते हैं फुट पाउंड और सेकंड पद्धति, या इसे हम लोग फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा हमारा है MKS पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, या इसे हम लोग मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। अब आइए इनको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारी CGS पद्धति होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी लंबाई है, लंबाई को हम मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में। क्या करते हैं? CGS में लंबाई को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, और समय को यहाँ पर सेकंड में मेज़र किया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग फुट इसकी बात करते हैं CGS पद्धति की, तो इसे हम लोग मीट्रिक पद्धति या इसे हम लोग फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसका उद्भव ही हुआ था फ्रेंच में, तो इसीलिए हम लोग इसको मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। अगला हमारा है फुट पाउंड और सेकंड पद्धति। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लंबाई को मेजर करते हैं फुट में, द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं पाउंड में, समय को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये हमारी पद्धतियाँ हैं। याद रखिएगा, फुट पाउंड सेकंड पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पद्धति के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारी है ब्रिटिश पद्धति। क्या है? ये हमारी है ब्रिटिश पद्धति। और तीसरा आपका होता है MKS पद्धति। इसके बारे में अगर हम बात करें, तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को हम लोग सेकंड में यहाँ पर मेजर करते हैं। तो ये हमारी तीन हो गई। लेकिन जो सर्वाधिक प्रयोग की जाती थी पहले, वो MKS थी। लेकिन बाद में ये जो हमारी MKS पद्धति थी, ये आगे चल के एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आ गई, जिसे हम लोग कहते हैं SI यूनिट या SI इकाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में ये हमारी एक नई प्रणाली आई, और इसी प्रणाली को अब स्वीकार किया जाता है, और इसी के अनुसार ज़्यादातर मेजरमेंट हमारे किए जाते हैं। तो चलिए, जो हमने मूल राशियों की बात की थी, आइए उन मूल राशियों को देख लेते हैं, और उनके मूल मात्रक भी, क्योंकि इनसे प्रश्न आपको सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इधर हमारी हो गई मूल राशियाँ, और इधर हो गए उनके मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट। पहली आपकी है लंबाई, जिसे हम लोग कहते हैं लेंथ। और लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसे हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। किसमें? मीटर में हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। अगला हमारा है द्रव्यमान। द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसको हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में। याद रखिएगा, लंबाई को हम किलोमीटर में नहीं करते हैं, इसको मीटर में करते हैं, लेकिन द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। समय की बात करें, तो समय आपको सबसे आसान है याद रखना, क्योंकि सारी पद्धतियों में समय को हम लोग सेकंड में ही मेज़र करते हैं। अगला हमारा होता है ताप। ताप की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसे हम लोग मेज़र करते हैं केल्विन में। इसी प्रकार से अगला हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसे हम मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें? इसे हम मेजर करते हैं एम्पियर में। इसी प्रकार से आपकी ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता को हम मेजर करते हैं कैंडेला में। और जो आपके पदार्थ का परिमाण होता है, इसे हम लोग मोल में मेजर करते हैं। तो ये हमारी प्रमुख हो गई, और इन सातों को आपको बिल्कुल एकदम से याद रखना है। किसी भी तरीके से आप याद रखें, चाहे रट्टा मारें, लेकिन इन सातों को आप बेहतर तरीके से याद रखें, क्योंकि इन्हीं से हमारी आगे की राशियां व्युत्पन्न होती हैं, और साथ ही साथ ये सातों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारी सात मूल राशियाँ और उनके मूल मात्रक हो गए। आगे अब हम लोग कुछ अन्य राशियों की बात करेंगे, जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। तो आइए इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ हमारी राशियां हैं इधर, जैसे कि हमारा आयतन हो गया वॉल्यूम, घनत्व हो गया डेंसिटी, वेग हमारा हो गया यानी कि वेलोसिटी, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, बल यानी कि फोर्स, कार्य यानी कि वर्क, शक्ति यानी कि पावर। तो आइए इनके भी मात्रक को जान लेते हैं। आयतन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आयतन को सामान्य तौर पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब से।
क्यों करते हैं? क्योंकि आयतन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। अब लंबाई यानी कि लेंथ हो गई हमारी, लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रिथ हमारी हो गई, चौड़ाई हो गई, इसे हम मीटर में। और अगर आपकी हाइट की बात करें तो ये भी हमारी एक तरह की दूरी ही है, तो इसको भी हम करेंगे मीटर में। और जब तीन मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और इसीलिए जो हमारा आयतन होता है उसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। समझ गए आप लोग? आई होप आपने समझा होगा। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे घनत्व की। घनत्व की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि डेंसिटी की, तो डेंसिटी का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये भी हमारा क्यूब होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, आइए इसको बताता हूँ। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे, कि द्रव्यमान इक्वल टू होता है बी इंटू डी, यानी कि द्रव्यमान बराबर हो गया हमारा आयतन गुणे घनत्व। अब अगर आपको यहाँ पर निकालना है घनत्व को d को, तो ये हमारा हो जाएगा m बाई d। क्या होगा हमारा? ये m बाई हो जाएगा v, और m हमारा होता है मास, यानी कि इसे हम करेंगे किलोग्राम में, और मीटर क्यूब यानी कि जो हमारा घनत्व होगा, जो हमारा आयतन होगा उसे हम लोग करते हैं मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा घनत्व का मात्रक। इसी प्रकार से हमारा अगला है वेग, जिसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का हमारा होता है मीटर प्रति सेकंड। कैसे होता है आइए समझते हैं। वेलोसिटी हमारी यानी कि वेग इक्वल टू होता है दूरी अपान समय। तो दूरी को हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस, यानी कि ये आपकी हो गई लेंथ, और लेंथ को हमने किससे मेजर किया? मीटर से। नीचे आपका समय है तो समय हमेशा टी होता है, तो इसीलिए जो हमारा मात्रक होगा वह होगा मीटर प्रति सेकंड। आगे इसी प्रकार से हमारा त्वरण है। त्वरण का जो हमारा मात्रक होता है वह है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग त्वरण की बात करते हैं तो क्या होता है? ए इक्वल टू होता है वी अपान टी। डी वी आप कर सकते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर अपान टाइम। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेग को हमने अभी देखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एक सेकंड और आ गया, तो सेकंड स्क्वायर, सॉरी ऊपर एक हमारा सेकंड था, नीचे एक सेकंड आ गया, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे त्वरण का यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में बल होता है। बल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली न्यूटन से। न्यूटन से क्यों करते हैं? देखिए, F इक्वल टू होता है एम ए, यानी कि बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पर अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये आपका होता है किलोग्राम, और त्वरण की बात करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पूरे क्वांटिटी को यानी कि ये जो आपकी पूरी राशि है इसको हम लोग 60 में लिख देते हैं न्यूटन। यानी कि अगर न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाए तो यह भी आपका करेक्ट होगा, और अगर आपने न्यूटन लिख दिया तो शॉर्ट फॉर्म है तो वो भी आपका करेक्ट होगा। तो बल हमारा हो गया। बल के बाद में हमारा होता है कार्य। कार्य को हम लोग न्यूटन पर मीटर लिखते हैं या फिर हम लोग जूल लिखते हैं। इसी प्रकार से शक्ति हो गई, इसको हम लोग वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग इनके पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी इन मात्रकों के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग लंबाई के कुछ मापन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनसे आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। एक किलोग्राम, एक किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर, एक मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में आपका होता है 0.39 इंच। क्या होता है? एक सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है। एक मीटर में आपका 10 डेसीमीटर होता है, और एक मीटर में आपका 3.37 इंच होता है। इंच नहीं होगा, एक मीटर में यहाँ पर होगा फुट, 3.37 फुट होता है हमारे एक मीटर में। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ये अलग हो गया है, ध्यान दीजिएगा। एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 10^-6 मीटर। उसी प्रकार से एक नैनोमीटर की हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है 10^-9 मीटर। उसी प्रकार से अगर हम एक पिकोमीटर की बात करते हैं तो ये आपका होता है 10^-15 मीटर। और अगर हम लोग एक फर्मी मीटर की बात करते हैं तो ये आपका होता है 10^-1
अगर हम माइक्रोन की बात करते हैं तो एक माइक्रोन में होता है 10^-6 मीटर। अगर हम एक नैनोमीटर की बात करते हैं तो इसमें आपका होता है 10^-9 मीटर। अगर हम लोग एक पिकोमीटर की बात करते हैं तो ये आपका होता है 10^-12 मीटर। और अगर हम एक थर्मीमीटर की बात करते हैं तो ये आपका होता है 10^-15 मीटर। यहीं पर हमारा आता है एक एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें होता है 10^-10 मीटर। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम उल्टा हो गया है, हालांकि लैपटॉप में तो ये सही दिख रहा था लेकिन यहाँ पर आकर के ये थोड़ा सा गड़बड़ दिखने लगा है, तो इसके लिए सॉरी। आई होप आपने इसको समझा होगा। कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये आपका होता है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा इसमें लाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी अन्य चीज़ का मात्रक है, ये आपका होता है दूरी का मात्रक। अगर हम लोग प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10^15 मीटर। ये देखिए, ये 15 भी उसके ऊपर आ गया है। क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10^15 मीटर। और हमारी जो ये दूरी होती है इसकी सबसे बड़ी मात्रक होती है पारसेक, और एक पारसेक में आपका होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन शॉर्ट सारी चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास किया। अब देखिए, आप लोग कमेंट फिर से मत करिएगा, ये बेसिकली हमारे रेलवे एग्जाम के लिए है, तो इसीलिए चीज़ों को मैंने कम से कम में बताने का प्रयास किया है। जब आप लोग स्टेट पीसीएस के लिए या अन्य कंपटीशन के लिए जाएंगे तो ये हमारी थोड़ी और ब्रॉड में चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया, अब हम लोग आगे चलते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मात्रक मैंने आपको बताया था वाट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक सिंपल है, न्यूटन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका मात्रक आपका होता है ओम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आपका क्या होता है, ये होता है हमारा जूल। जूल हमारा होता है कार्य का मात्रक। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर से हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष हमारा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए लाइट ईयर क्या होता है, तो जो हमारा लाइट ईयर होता है यानी कि प्रकाश वर्ष होता है, वह हम लोग उस दूरी को उसमें मेजर करते हैं जो प्रकाश के द्वारा एक साल में ट्रैवल की जा सकती है। तो ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, और इसमें कितना होता है। तो हमने बात की थी, ये होता है 3.26। निकटतम अगर आप लेंगे तो 3.25 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर यहां पर करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर की बात अगर की जाए तो एक नैनोमीटर में होता है 10^-9 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10^-9 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एम्पियर मापने की इकाई है। किसको एम्पियर से मापते हैं हम लोग, विद्युत धारा को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मेगावाट जिसके माध्यम से हम लोग बिजली को मापते हैं, किस प्रकार की बिजली इससे मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मेगावाट से हम लोग मापते हैं जो हमारी बिजली उत्पादित की जाती है। इसको आप लोग सिंपली भी कर सकते हैं, आपने जब किसी पावर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा होगा या पावर स्टेशन के बारे में पढ़ा होगा तो अक्सर बताया जाता है कि इस पावर स्टेशन की क्षमता इतनी मेगावाट है या इतनी किलो मेगावाट है। तो इससे आप लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मेगावाट हमारी बिजली उत्पादित करने की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा कार्य है ये बिल्कुल जूल सही है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान किलोग्राम है, लेकिन दाब का हमारा डाइन नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है छोटा सा, आपको बताना है कि ये जो डाइन होता है ये हमारा किसका मात्रक होता है।
डाइन के बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ आपको बताना है कि जो दाब होता है इसका मात्रक क्या होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जितनी आप लोग देख रहे होंगे सारे सही हैं, लेकिन जो हमारा प्रकाश वर्ष है इससे हम लोग समय को नहीं मापते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा इनकरेक्ट होगा। बाकी अगर नॉट की बात करें तो जहाज के चाल की माप की जाती है नॉट में, नॉटिकल माइल से नौ संचालन की प्रयुक्त इकाई होती है, एंगस्ट्रॉम में हम लोग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मेजर करते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हार्स पावर में हमारे होते हैं 746 वाट, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे, तो पास्कल हमारा मात्रक होता है दबाव का, किसका, प्रेशर का हमारा मात्रक होता है पास्कल, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो एक माइक्रोन को मैंने आपको बताया था ये होता है 10^-6 मीटर, मीटर की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर हमको करना है मिलीमीटर में, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10^3 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो एक मीटर में आपका कितना होता है, एक मीटर में हमारा होता है 1000 मिलीमीटर, और 1000 का मतलब हुआ यहाँ पर 30 हमने कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 है, मल्टीप्लाई करने पर हट जाएगा तो 10^-3 आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो 1/1000, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, तो उष्मा की इकाई की बात करते हैं तो सारे आपके उष्मा के हैं, लेकिन अगर हम लोग वाट की बात करते हैं तो ये हमारी उष्मा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है कि उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे सेंटीग्रेड होते हैं या हमारे केल्विन होते हैं ये इकाई होते हैं तापमान के, किसके होते हैं, तापमान के, बाकी कैलोरी अर्ग जूल ये सारी हमारी उष्मा की इकाइयाँ होती हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पास्कल किसकी इकाई होती है, तो पास्कल हमारी होती है प्रेशर यानी कि दाब की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि तेल के एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो तेल के एक बैरल में हमारा होता है 159 लीटर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दबाव की इकाई क्या है, तो दबाव की अगर हम लोग इकाई की बात करते हैं तो ये हमारा होता है बार, यानी कि पास्कल भी होता है और बार भी हमारे प्रेशर की इकाइयाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रोन जो आपका होता है, सॉरी जो हमारा फर्मी मीटर होता है 10^-15, ये सबसे न्यूनतम इकाई होती है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने किससे मापी जाती है, तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, तो ये हमारा कौन सा होगा, डॉप्सन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओजोन परत हमारा कहाँ पर पड़ता है, समताप मंडल में। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग वीडियो में किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप अभी बता सकते हैं, क्योंकि अगला जो इसका पार्ट आएगा वह अब केमिस्ट्री समाप्त होने के बाद आएगा, तो केमिस्ट्री हम लोग समाप्त करेंगे अगले 2-3 दिनों में। साथ ही साथ नीचे जो हमारा मॉर्निंग का सेक्शन है इसमें हम लोग एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब डिस्कस करेंगे केवल और केवल, और जब हम लोग समाप्त करें केमिस्ट्री को उससे पहले आपका फीडबैक आ जाना चाहिए कि आप किस प्रकार से या क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या वीडियो में आपको क्या कमी लगी। जाहिर सी बात है अगर आप लोग कमी बताएंगे, अगर आप लोग थैंक यू के बजाय कोई कमी लिखेंगे तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करके आपको और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।